क्या आपकी मशीन भी आगे कपड़ा खींचने में प्रॉब्लम दे रही है, या आपकी मशीन के भी जो दांते आते हैं वो नीचे धंस गए हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप उस दांतों को कैसे ठीक कर सकते हैं, और आपका जो कपड़ा आगे नहीं ले रही है मशीन, तो उसको भी हम कैसे ठीक करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, और स्वागत करती हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पूजा एसके ट्यूटोरियल्स में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो सिलाई मशीन से संबंधित वीडियो है। तो आज मैं सिलाई मशीन की ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ कि उसकी सफाई कैसे करते हैं, उसके दांते कैसे ठीक करते हैं, और अगर कपड़ा आगे नहीं ले रही है मशीन तो आप उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कर लिया है, ये जो मशीन का ये जो ऊपर का हैमर आता है, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। तो ये जो पहले का इधर का जो पार्ट है, पहले हम इसको इधर खींच लेंगे, तो इसको हटा लेंगे। और ये जो देखिए वाले कितनी डस्ट जमी हुई है, मैं इसको भी आज साफ़ करना बताऊंगी। तो पहले तो हम ये नट को खोल लेंगे, उसके बाद में हम ये डिब्बी को हटा दिए, उसके बाद में अब इसको नीचे करने के बाद में नट को थोड़ा थोड़ा जोर लगा के खोलेंगे। और फ्रेंड, मेरी जो मशीन है वो अरुण कंपनी की मशीन है, और ये फुल सेटल मशीन है। और हाफ़ सेटल की जो मशीन रहती है, उसकी भी जो छोटी वाली मशीन होती है हाफ सेटल की, उसकी भी सफाई आपको ऐसे ही करनी है जैसे फुल सेटल मशीन की सफाई करते हैं। सेम प्रोसेस से उसकी सफाई भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसके अंदर भी डस्ट जमी हुई है। पहले तो हम ये डस्ट को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्लीन कपड़ा ले लेंगे, क्लीन कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के भी इसको हम थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये जो आजू बाजू जो काले काला जो निशान पड़ा हुआ है, तो इससे ये भी निकल जाएगा। तो मशीन को अच्छे से ऑयल से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। पहले तो ये हैमर को साफ़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर डस्ट जमी रहेगी तो हमारा जो क्लॉथ हम जब सिलते हैं कपड़े, उसके ऊपर भी ये गंदगी जम सकती है। तो पहले हम उसकी सफ़ाई करके उसको साइड में रख देंगे। अब ये देखिए, ये हमारे जो दांते हैं, तो ये दांता कहीं कहीं अंदर धंसा हुआ है, तो मुझे इसको साफ़ करना है, क्योंकि यही तो कपड़े को आगे नहीं ले रहा, तो यही मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं सबसे पहले इसी को साफ़ कर, ये जो नट है ऊपर के, पहले तो हम इसको खोल लेंगे। इसमें भी मैं हर दिन, मतलब एक दिन के आड़े में मैं इनके अंदर भी ऑयल डालती हूँ, तो ये एकदम ही आसानी से खुल जाते हैं। मुझे जब भी इसको खोलना रहता है तो ये खोल जाते हैं, और मैं हमेशा इसकी वीकली मैं इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है। तो इस बार मैंने इसकी सफाई नहीं की, क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना था। इसके लिए मैंने सोचा कि अभी मैं इसकी सफाई नहीं करती, और आज मैं इसकी सफाई कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो लेकर आ जाऊं। तो ये दोनों नट खोल लीजिए। नट खोलने के बाद में ये देखिए, इसके अंदर भी जो थोड़ी बहुत डस्ट रहती उसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जो ब्रश होता है हमारा, उसे साफ कर लीजिए। देखिए कितनी डस्ट निकली है नट में से भी। तो इसको अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े से हम क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद में ये देखिए, पहले इसको निकाल लेंगे, और ये देखिए इसके अंदर भी कितनी डस्ट जमी हुई है। ये डस्ट को भी पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद में अच्छे से ये काला काला दिख रहा है, ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसके जो ये छेद है होल, इसके अंदर भी थोड़ी सी डस्ट जमी दिख रही है मुझे, क्योंकि ऊपर कैसे कभी कभी हम मशीन को यूज़ नहीं भी करते तो भी रखी रखी भी इसके अंदर डस्ट घुस जाती है, तो उसको भी साफ़ रखना हमारा काम होता है। तो साफ़ करने के बाद में अब ये जो दांते हमारे, अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए अंदर से कितनी डस्ट निकल रही है। देखिए ये जो धागे निकलते रहते हैं, जो हम डेली मेरी मशीन डेली चलती रहती है, इसकी वजह से इसमें इतनी सारी डस्ट जम जाती है। फिर भी मैं इसकी हफ्ते के हफ्ते सफाई करती रहती हूँ। मैंने मशीन साफ़ करने का ऐसा झाड़ू आप भी एक ले लीजिए, ताकि ये आसानी से निकल जाती है इसकी डस्ट पूरी। तो अभी भी कहीं कहीं ये देखिए डस्ट कितनी घुसी हुई है, तो इसको सारे डस्ट को साफ़ कर लेंगे। ये इसकी वजह से भी कभी कभी हमको सिलाई करते समय प्रॉब्लम आती है, हमारा कपड़ा आगे नहीं जाता है, और इसकी वजह से भी हमारे ये जो दांते हैं वो धंस जाते हैं, क्योंकि ये जो धागे वगैरह रहते हैं और जो कपड़ों की डस्ट रहती है ना, वो हमारे जो दांते रहते हैं उसको अंदर नीचे दबा देते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी मशीन हमको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, और कपड़ा
आगे नहीं लेती है और सिलाई भी नीचे की अच्छी नहीं आती है। तो अब ये दांतों की सफाई हो चुकी है। अब एक काम करते हैं हम, अब ये दांतें जो है इसको अब हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में अब हम इसकी अच्छे से सफाई करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर की तो हमने सफाई कर ही दी है, लेकिन अब इसकी हमको नीचे की भी सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई रहती है। तो ये देखिए मेरे नट तो खैर अच्छे हैं, लेकिन किसी किसी के नट को जब जंक लग जाता है तो आप उसके लिए एक ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आप एक कटोरी के अंदर मिट्टी का तेल लीजिए और उसको ओवरनाइट के लिए ये नट को उसके अंदर डाल दीजिए। अगर जब तक नाइट पूरी रात इसको आप मिट्टी के तेल के अंदर डाल के रखेंगे तो ये स्क्रू के अंदर जो जंक लगा है वो पूरा रिमूव हो जाएगा और आप इसको यूज़ में ले सकते हो और ये ईज़िली आप वर्क करेगा। तो मेरे नट तो खैर अच्छे हैं, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और अब ये जो दाते हैं हमारे, इसकी हम सफाई करेंगे। तो ये हमने ऊपर से तो सफाई कर दी है, थोड़ी बहुत जो डस्ट लगी उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा ऑयल डाल के, और इसको अच्छे से हम और सफाई कर देंगे, क्योंकि ये बारिशों की वजह से हो या कभी कभी पानी मशीन पे गिर जाता है तो इसमें भी जंक लग जाता है। तो हम उसको अच्छे से अगर इसमें ऑयल डालते हैं तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा और जंग वगैरह लगने के चांसेस कम होते हैं। तो ये नीचे से ये जो देखिए पूरा काला काला हो गया है, ये कभी कभी पानी भी लग जाता है मशीन पे तो उसकी वजह से भी ये अच्छे से नहीं चलता। तो आपके पास भी इस तरह से ओपनर होगा तो आप ओपनर की हेल्प से इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अच्छे से साफ़ करने के बाद में ये देखिए हमारे दांतें कितने क्लीन हो गए हैं, एकदम साफ़ हो गए हैं। अब ये जो पार्ट है इसको भी हम अच्छे से सफाई करेंगे। तो फ्रेंड आप एक एक ट्रिक को मैं बहुत ही डीपली बता रही हूँ, तो आप एक एक ट्रिक को फॉलो कीजिए और अच्छे से वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक कारण ये भी होता है कि जो हमारा ये वाला जो नीचे का भाग है जहाँ पर हमारी टिब्बी लगती है, तो यहाँ पर भी देखिए कितनी ज़्यादा ये धागे वगैरह डस्ट जमी है, तो हम इसको भी साफ़ कर लेंगे। कभी कभी इसमें जब धागा फंस जाता है तो उसकी वजह से भी हमारी मशीन प्रॉब्लम देती है। तो ये पूरे धागे, ये देखिए कितना धागा निकला इसमें से, ये भी हमारी मशीन इसकी वजह से भी हमको बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो इसको हटाने के बाद में इसकी भी सफाई हम अच्छे से कर देंगे। अब इसकी अच्छे से हमने सफाई कर दी है। अब अभी खुली हुई तो है, तो इसके बाद में अब ये जो नट है अंदर के, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। इसे ऑयल डाल दीजिए और इसको हम ऑयल डाल के थोड़ा सा पोंछ लेंगे। और फिर से जब पूरी मशीन आप अच्छे से लगा देंगे तो उसके बाद में आप इसके अंदर रात भर के लिए ऑयल डाल के इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और फिर दूसरे दिन आप इसका यूज़ कीजिए। तो रात भर में ऑयल अच्छे से ये मशीन में चला जाएगा तो ये वर्क अच्छे से करेगी। आप उसके बाद में हम वापस से ये दांतों को बिठा लेंगे। दोनों नट को ऐसे वापस से लगा देंगे पहले। इसको अच्छे से कस दीजिए, दोनों नट को अच्छे से कस दीजिए ताकि ये दांतें हमारे हिले ना। अच्छे से कस दूंगी यहाँ पर मैं इसको। इसी तरह के बाकी के पार्ट भी हम लगा लेंगे। इसको ऊपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगी, ढक्कन को लगा के अच्छे से पोंछ लीजिए, जहाँ जहाँ डस्ट लगी हुई है सब साफ़ कर लीजिए। और अब हम ये हैमर को लगा देंगे। ये हैमर लगाने के पहले आप सुई को अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, जैसे ये देखिए इस तरह से सुई को एडजस्ट कर लीजिए और फिर ये नट को आप कसिए। नहीं तो कैसा होगा, अगर आप डायरेक्ट हैमर लगा देंगे और सुई आपकी अगर हैमर के ऊपर लगी तो आपकी सुई टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब इसको करने के बाद में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ मैं इसमें। ये देखिए हमारी मशीन काम करने के लिए रेडी हो गई है। अब हम इसकी बॉबिन लगा देते हैं।
बॉबिन लगा के। अब मैं आपको ये मशीन चलाकर बताती हूँ कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। बॉबिन लगा दी है, धागा लगा लिया है। अब देखिए मैं आपको ये कपड़े के ऊपर चलाकर बताती हूँ। तो ये देखिए हमारी मशीन कपड़ा भी आगे ले रही है और ये धागा भी नहीं तोड़ रही है, और हमारी मशीन की जो सिलाई है वो भी देखिए कितनी अच्छी आई है। देखिए अब हम इसका जो ये एडजस्टमेंट है, हम इसको बड़ी सिलाई करके देखते हैं कि ये बराबर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखिए हमारी सिलाई कितनी अच्छी चल रही है, नीचे से भी ऊपर से भी, और दांते साफ़ कर दिए तो कपड़ा भी आगे पीछे ले रही है ये, और हम लॉक भी लगाएंगे तो ये धागा भी नहीं तोड़ रही है, और ये अब रेडी हो गई है काम करने के लिए। देखिए तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए, आपको पूरी मशीन की सफ़ाई कैसे करते हैं, वीकली सफाई कैसे करते हैं, मैं अपनी मशीन को किस तरह से रखती हूँ, अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको ये चला कर बताइए, अब मैं इसके अंदर और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। और अगर कभी आपकी मशीन में आपको धागा गुच्छे में अगर आए तो आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसकी ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसकी वजह से भी हमारी मशीन चलने में प्रॉब्लम देती है और धागा गुच्छा देती है। तो आई होप सो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गए होंगे या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आपकी मशीन भी इसी तरह से प्रॉब्लम दे रही है तो आप उसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।